السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما। हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़ेबा है जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर जिन्हें इंस और जिन की रुश्द हिदायत के लिए मबूस फरमाया गया, खुसूसन नबी मुकर्रम इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मौजूदा सामने किराम, आज सूरह बलद हम पढ़ेंगे। ये मक्की सूरत है और मक्का में सूरह काफ के बाद नाजिल हुई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। कसम खाता हूँ इस शहर की, तो यहाँ पे शहर से मुराद मक्का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम से बात शुरू की इस सूरत मुबारका में, और कसम भी इस दुनिया के सबसे अफजल जमीन की या अफजल शहर की। ये वो शहर है मक्का जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे पहले घर बनाया गया, यानी अल्लाह की इबादत के लिए घर बनाया गया सबसे पहले। इस शहर का ताल्लुक सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के दोनों खलील से। तौहीद की बुनियाद पर अल्लाह की इबादत के लिए, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए सैयदना इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस घर को तामीर किया। दूसरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आपकी पैदाइश भी इसी शहर में हुई। और तीसरा, ये एक ऐसा शहर है जिसको सिर्फ इबादत के लिए याद किया जाता है, जहाँ पे सिर्फ दूर दराज से लोग इबादत के लिए पहुँचते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए पहुँचते। तो इस अजीम शहर की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दावत का आगाज भी मक्का से किया। मुशरिकों ने जब आपको अजियतें दी, तकलीफें पहुंचाई, तो अल्लाह के हुक्म से मक्का से निकल करके मदीना आप तशरीफ ले गए। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, निकलने लगे, तो बार बार खाने काबा की तरफ पलट करके देखते और आपकी आंखें अश्कबार हो गई। और आपने काबा के ताल्लुक से या मक्का के ताल्लुक से जो फरमाया, उसका जिक्र एक हदीस में है। अब्दुल्ला बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप ये फरमा रहे थे कि अल्लाह की कसम, यानी मक्का को देख करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को देख करके फरमा रहे थे कि ए मक्का, अल्लाह की कसम तो अल्लाह की सारी जमीन से बेहतर और अफजल है। अल्लाह की सारी जमीन से बेहतर और अफजल है, अल्लाह की कसम खा करके आपने फरमा। और अल्लाह के नजदीक अल्लाह की सारी जमीन से ज्यादा महबूब है, यानी पसंदीदा भी है, अफजल भी है, पसंदीदा भी है। और फिर आपने कहा, अल्लाह की कसम अगर मुझे तेरे अंदर से निकाला ना जाता तो मैं कभी ना निकलता, यानी मैं मक्का कभी ना छोड़। ये इमाम तिर्मिजी ने रिवायत किया, तिर्मिजी शरीफ सही हदीस है और हदीस नंबर 3925। इब्न माजा हदीस नंबर 3108। तो इस अजीम जमीन की, इस अजीम शहर की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई जिसका ताल्लुक अल्लाह के दोनों खलील से है। जिस शहर का, जिस शहर को आबाद ही सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, और इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके कि अपनी बीवी और सीर खार बच्चे को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां पर छोड़ दिया, और वहीं से इस शहर की आबादी या इस शहर का बसना शुरू हुआ। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए सिर्फ तौहीद की बुनियाद पर उस घर को बनाया गया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की गई और आपकी विलादत हुई। और आज भी और क़यामत तक ये जगह जो है इबादत के लिए जानी जाती रहेगी, और लोग यहाँ पर दूर दराज से उस घर के तवाफ के लिए और वहां पर इबादत के लिए पहुंचते रहेंगे। तो इस अजीम चीज की अल्लाह ने कसम खाई। कसम खाता हूँ इस शहर की, यानी मक्का की, और आपके लिए इस शहर में
लड़ाई हलाल होने वाली है, आपके लिए इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली है। तो ये हुरमत जो मक्का की है, ये सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चंद लम्हे के लिए, क्योंकि जुल्म को खत्म करना था और जालिम को सजा देनी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वाकया जो होने वाला था उसकी खबर पहले से दी कि इस अजीम शहर में और मक्का के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खबर दी कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि इस घर में या इस मक्का में लड़ाई की इजाजत दी जाएगी। इससे ये पता चला कि वहां पे लड़ाई की इजाजत न पहले थी न बाद में होगी, सिर्फ एक खास वक्त के लिए लड़ाई की इजाजत दी जानी थी। ये कैसे पता चला कि सिर्फ एक खास वक्त में इजाजत दी जाने वाली है? आप आयत के ऊपर गौर करें, और आपके लिए इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली है। तो लड़ाई जो हलाल होने वाली है वो हमेशा के लिए नहीं, एक खास वक्त के लिए, और ये सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, जैसा कि इमाम बुखारी ने और भी दूसरी अहादीस के अंदर यह हदीस रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शहर को अल्लाह ताला ने उस दिन से हुर्मत वाला करार दिया है, यानी एहतराम वाला करार दिया है, जिस दिन उसने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया। सुभानअल्लाह, जिस दिन आसमान और जमीन बनी है उस दिन से खाने काबा या मक्का जो है वो हुर्मत वाली जगह, यानी यहाँ पे लड़ाई और किताल या किसी किस्म की जंग नहीं हो सकती। फिर आगे आप फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला के इस हराम करार देने की वजह से कयामत के दिन तक इसकी हुर्मत बरकरार होगी, मतलब कयामत तक इसकी अंदर जंग जदाल और किसी भी किस्म का जुल्म जो है वो हराम होगा। इसकी हुर्मत के पत्तों को न झाड़ा जाए और न इसके घास को उखाड़ा जाए। बताइए, पेड़ और पौधों के ऊपर भी जुल्म नहीं किया जा सकता कि इसके पत्तों को न चढ़ाया जाए और घास को न उखाड़ा जाए। मेरे लिए दिन के सिर्फ एक घड़ी में किताल हलाल करार दिया गया था। यहां से पता चला कि दिन की एक घड़ी के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास किताल को हलाल किया गया था, और आज फिर उसकी हुर्मत इसी तरह है जिस तरह कल थी। सुन लो, ठीक है कि सिर्फ उस टाइम के लिए हलाल किया गया था, अब वो हुर्मत फिर से वापस हो गई है और अब बाकी रहेगी कयामत तक। तो आपने फरमाया, सुन लो कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन तक भी पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसकी हुर्मत के ताल्लुक से और इस आयत की तफसीर के ताल्लुक से ये हदीस थी। इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3189। इमाम बुखारी ने और भी दूसरी हदीसें लेकर के आए कि जो कोई ये कहता है कि अब हुर्मत बाकी हो गई, तो उसमें रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये तो सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, और आपने खुद फरमा दिया कि ये खास वक्त तक के लिए था। तो इस किस्म की और भी हदीस आप देख सकते हैं, हदीस नंबर 1832 और 1833। वापस आए आयत नंबर 3 की तरफ, और कसम है वालिद की और उसकी औलाद की। तो यहाँ वालिद से मुराद आदम अलैहिस्सलाम है और वलद से मुराद आदम जात है, यानी आदम की औलाद। तो सारी इंसानियत की गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे कसम खाई, सबसे पहले सबसे अजीम शहर की मक्का की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई, और फिर उस शहर के ताल्लुक से फरमाया कि एक खास लम्हा होगा कि जिस लम्हे में जुल्म और सितम को खत्म करने के लिए, मजलूम को उसका हक दिलाने के लिए, जालिम को सजा देने के लिए, एक लम्हे के लिए यहाँ पे हुर्मत जो है वो खत्म की जाने वाली है सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई कि बाप की यानी आदम की और आदम जात की, उसकी औलादों की। लकद खलकनल इंसान फी कब्द, बिला शुबा हमने इंसान को बड़ी मशक्कत में पैदा किया। अब इंसान के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक खबर दी कि इंसान को मशक्कत में ही पैदा किया। इस ताल्लुक से हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फी कब्द के माना ये रिवायत किए हैं कि इंसान को सख्त तकलीफ की हालत में पैदा किया गया है, क्या तुमने उसकी हालत को नहीं देखा? फिर उन्होंने इंसान की पैदाइश के वक्त और फिर बाद में दांत के निकलने के तकलीफ का जिक्र किया कि जब वो पैदा होता है और जब उसके दांत निकलते हैं तो वो कैसी तकलीफ में होता है। सूरह अहकाफ आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सूरह अहकाफ आयत नंबर 15, उसकी माँ ने उसे तकलीफ से पेट में रखा, यानी खवातीन भी एक के बाद एक परेशानियों के अंदर, मशक्कतों के अंदर इस जिंदगी को गुजारती है, और खास तौर पर जब वो बच्चे की विलादत होने वाली होती है या बच्चे की परवरिश होती है उसकी पेट के अंदर। तो फरमाया उसकी माँ ने उसे तकलीफ से पेट में उठाया रखा और उसे तकलीफ से उसकी विलादत हुई या उसको जन्म दिया। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके माना है कि हमने इंसान को इस हालत में पैदा किया कि वो दुनिया की तकलीफ और आखिरत की सख्तियां बर्दाश्त करता रहता है। तो गोया कि इंसान को ये अल्लाह का अम्र है
और इस अम्र में किसी का अख्तियार नहीं, वो नबी हो, वली हो, नेक शख्स हो या बदबख्त हो, हर किसी को मशक्कत में से गुजरना है। या तो कोई आजमाइश में होगा या कोई अजाब में होगा, लेकिन मशक्कत में सब कोई है। किसी को अल्लाह आजमा रहा है और बुलंद मकाम अता फरमा रहा है, और किसी को उसके गुनाहों की सजा दी जा रही है। हर हाल में इंसान मशक्कत के अंदर पड़ा हुआ, परेशानियों में है, कभी बीमारियों से घिरा हुआ है, कभी दौलत के आने और जाने से, कभी जहनी परेशानी है, कभी रिश्तेदारों से परेशान है, कभी दुश्मनों से परेशान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को देखिए, आप कि सदमे से सदमे दिए जा रहे हैं, मशक्कत कभी दोस्तों की तरफ से, कभी बच्चों की तरफ से। लेकिन इन दोनों परेशानियों में, कि परेशानी और मशक्कत तो सबको आना है, तो इसमें मोमिन और गैर मोमिन का क्या किरदार रहता है या क्या मामला रहता है? जब अल्लाह हर किसी को ही मशक्कत में रखेगा, मोमिन हो या गैर मोमिन हो, तो मोमिन को क्या फायदा? अगर हम इस बात पर गौर करें तो सबसे पहली चीज ये कि मोमिन सिर्फ दुनिया में परेशान रहता है और दुनिया के बाद उसके लिए राहत और सुकून है। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को कान में कहा था कि अब तेरे वालिद के ऊपर कभी कोई सख्ती नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरा ये कि मोमिन दुनिया की तकलीफ को बहुत ही आसानी से बर्दाश्त करता है और खुशी खुशी बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसे एक मजबूत सहारा उसके पास होता है, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का यकीन होता है, अल्लाह की कुदरत का यकीन होता है, और उसके पास एक मजबूत सहारा होता है कि किसी भी मुसीबत, किसी भी बड़ी परेशानी में हूं, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है और वो मुझे निकालेगा इस परेशानी। वो तकदीर पर यकीन करता है कि मेरे रब ने इस परेशानी को लिखा है और मेरा रब गलत फैसला नहीं करता, जरूर इसमें मेरे लिए कुछ फायदा है, इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मशक्कत लिखी। लेकिन वही गैर मोमिन या शिर्क करने वाला जिसके अंदर तौहीद नहीं है, तो वो डिप्रेशन का और जहनी बीमारियों का वो शिकार हो जाता है। आप अगर इस चीज पर गौर करें कि एक ही किस्म की परेशानी और एक ही उम्र के लोगों को आए, एक मोमिन हो और गैर मोमिन हो। मेरे साथ ये मुशाहिदा हुआ कि हमारे एक साथी का इकलौते बेटे का इंतकाल हो गया, लोग दूर दराज से मिलने के लिए आए, मैं भी पहुंचा और जब मैंने उसके चेहरे को देखा अपने साथी के, तो वो मुस्कुरा रहा था और हंसते हुए उसने बात किया। लोग उससे परेशान होकर के मिलने आ रहे थे और वो कह रहा था कि अल्लाह की रजा है और मैं उसकी रजा पर राजी। एक और ऐसी शख्स का मुशाहिदा हुआ कि उसकी सिर्फ दो बेटियां थी और वो गैर ईमान वाले थे, मुशरिक थे, और एक बेटी का उसमें से इंतकाल हो गया, तो गोया कि उन्होंने कोशिशें करना शुरू कर दी कि मैं भी इस दुनिया से चले जाऊं, मतलब सुसाइड कर लूं। तो तकलीफ एक जैसी और दोनों के अंदर उसको बर्दाश्त की ताकत अलग अलग, ये शान है मोमिन की, क्योंकि उसे यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ है और उसने ये फैसला किया वो बेहतर। तो इस आयत में बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हम अपने माइंड सेट कर लें कि परेशानी तो आना है, इस दुनिया में हम हैं और हमें उसे फेस करना है। अब हम शुक्रगुजार बने ना शुक्र बने, और हम अपने ईमान का भी जायजा लेते रहें कि ये परेशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आई है और वो हमारे लिए गलत फैसला नहीं करता। फिर हम अपने अमल का मुहासबा करें कि ये परेशानी आई क्यों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम पर कोई मुसीबत नहीं आती मगर ये तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से आती, यानी जो हम गुनाह करते हैं इस वजह से हमारे ऊपर परेशानी आती है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि वो हमें दुनिया में पकड़ने के बाद हमें तौबा की तौफीक दे दे। तो जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाफरमानी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर एहसान करता है कि उसे मुसीबतों में डालता है और तौबा की तौफीक देता है। तो परेशानी अगर आ रही है तो उसको हम मुहासबा करें कि हमसे क्या गलती हो रही है, और उस गलती को समझ करके और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करें। और अगर कोई गलती नहीं है और फिर भी परेशानी आ रही है, यानी तौहीद के अंदर कोई खलल नहीं, शिर्क और बिदअत और हराम चीजों में मुलविस नहीं है, कोई गुनाह नहीं हो रहा है और फिर आ रही है, तो वो है कि आजमाइश है, तो आजमाइश है तो उस पर सब्र करें, क्योंकि हर आजमाइश के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनाम है। चले आयत वापस आते हैं, आयत नंबर 3। और कसम है वलद यानी आदम अलैहिस्सलाम की और उसकी औलाद की, बिला शुबा हमने इंसान को बड़ी मशक्कत में पैदा किया है, यानी ये मशक्कत में ही रहने वाला है। अब ये अपने ईमान को कवी करके, मजबूत करके और उस मशक्कत को उठाने की ताकत पैदा कर ले। आयत नंबर 5, क्या वो समझता है कि उस पर कोई भी काबू ना पा सकेगा, मतलब दुनिया में वो इस तरीके से जी रहा है और क्या समझ लिया उसने कि कोई उस पर काबू नहीं पा सकेगा। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 6 और सफा नंबर 508। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो उसके माल को उससे ले ना सकेगा, क्या वो ऐसा समझता है? या इमाम कतादा फरमाते हैं कि उससे सवाल नहीं किया जाएगा कि उसने इसे कैसे कमाया और कहां खर्च किया, क्या वो ये समझता है? आयत में वापस आए, आयत नंबर 5, क्या वो समझता है कि उस पर कोई भी काबिज ना हो सकेगा। आयत नंबर 6, वो कहता है कि मैंने
ढेरों माल लुटाया है, मैंने ढेरों माल खर्च किया है, तो ये माल खर्च करना कोई कमाल नहीं है। माल खर्च करना अल्लाह के नजदीक उस वक्त फायदेमंद है, उस वक्त कमाल की बात होगी या उस वक्त फायदेमंद होगा कि वो माल हलाल तरीके से कमाया जाए और सुन्नत तरीके से खर्च किया जाए। हश्र के मैदान में जो 5 सवाल होने वाले हैं उसमें से 2 सवाल यही है कि माल कहां से कमाया था और फिर उसके बाद उसे कहां खर्च किया। तो ये जो माल बहुत लुटाया कह रहा है तो इसका लुटाना या इसका खर्च करना ये भी देखा जाएगा कि इसने कमाया कहां से, वरना उस मकाम पे भी जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई सफर की तंगी और परेशानी को बर्दाश्त करते हुए और खाने काबा पहुंच रहा है, उसका जिस्म उसे कपड़े गर्द आलूद है लेकिन उसकी कमाई भी हराम, उसका कपड़ा भी हराम और जो गिजा थी उसकी और जो गोश्त था वो भी हराम, तो इसकी ये इबादत अल्लाह के नजदीक कोई भी काम की, इसकी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। तो इसने जो कमाया है खर्च किया है तो इसमें 2 चीज देखी जाएगी, पहला ये कि इसने कहां से कमाया था, हलाल कमाया था या हराम कमाया था, क्योंकि हराम कमाई को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल नहीं करता, और दूसरा कि उसने खर्च कहां किया, यानी इखलास के साथ किया या नहीं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके भी किया या अपनी मर्जी से खर्च किया। तो वो कहता है कि मैंने ढेरों माल खर्च किया, आयत नंबर 7। क्या वो समझता है कि उसने नहीं देखा, यानी क्या वो समझ रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे नहीं देखा? अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उसके हर नकल व हरकत को जानता है, उसकी कमाई के जराए को भी वो जानता है और खर्च करने की नियतों को भी वो जानता है। तो अल्लाह ने फरमाया क्या वो समझता है कि उसे किसी ने नहीं देखा, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं देखा, अल्लाह के फरिश्तों ने नहीं देखा? फिर यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी चंद नेमतों का जिक्र फरमाया, क्या हमने उसे 2 आंखें नहीं दी? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों में से एक अजीम नेमत, 2 आंखें दी लेकिन दिखता एक है, और ऐसी कुदरत की नजदीक का भी दिखता है साफ और दूर का भी दिखता है, कम रोशनी में भी दिखता है ज्यादा रोशनी में भी दिखता है, यानी इसके अंदर ये दोनों सलाहियतें कि कम रोशनी में भी ये एडजस्ट होती है और ज्यादा रोशनी में भी और दूर के भी देख सकती है और नजदीक कर, कई कलर को पहचान सकती, कई रंगों को पहचानने की सलाहियत है। और ये आंख कितनी कीमती है, हम थोड़ी देर के लिए आंख को बंद करके सोचें कि मेरी आंख नहीं, ऐसी अजीम शान नेमत कि कोई अगर ये कहे कि हम पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम पे करने को तैयार है, तुम ये 2 आंखें दे दो, कोई देने के लिए तैयार नहीं हो। तो इतनी अजीम नेमत जिस रब ने दी है, क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि वो फिर से इस नेमत को दे दे या इंसान को पैदा कर ले और उससे हिसाब ले ले? तो यहाँ पे चंद नेमतों का अल्लाह ने जिक्र किया, अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हमने उसे 2 आंखें नहीं दी, व लिसानं व शफतैन, और जुबान और 2 ओठ नहीं दिए, और जुबान दिया। देखिए कितनी कीमती चीज है ये जुबान, कि हम अपने एहसास को बयान कर लेते हैं, जो चाहते हैं वो समझा लेते हैं, जो चाहते हैं अपनी बात को रख देते हैं, यानी अपने इल्म को बाहर ले आते हैं, किसी को नसीहत और वसीयत कर सकते हैं, किसी की तरबियत कर सकते हैं, किसी को इल्म दे सकते हैं, किसी को जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। और ये जुबान जिससे हम कई टेस्ट को महसूस कर लेते हैं, और ये जुबान एक ऐसा जिसमें गोश्त का लोथड़ा है कि जो हमें ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाता है, और अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो जलील से जलील कर देता है। जुबान का अगर सही इस्तेमाल हुआ तो हमारी कदर होती है, और अगर जुबान का गलत इस्तेमाल हुआ तो तबाह बर्बाद भी होते हैं। तो ये अजीम शान नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई कि हमने क्या तुम्हें जुबान नहीं दिया कि तुम अपने एहसास को बयान कर, व शफतैन, और 2 ओठ नहीं दिए। गौर करें कि अगर ये ओठ ना होते तो क्या होता, कोई भी चीज हमारे मुंह के अंदर जाते रहती, डस्ट वगैरह ये वो, और कई लफ्ज अदा होते हैं इन 2 ओठों से, और ये खूबसूरती का बाइस भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब नेमत का जिक्र किया, आंख का और जुबान का और ओठ का, और फिर एक और अजीम नेमत, वहदैनाहु नजदैन, और हमने उसे 2 रास्ते समझा दिए, यानी सही और गलत की तमीज दिया अल्लाह ने। जैसे सूरह दहर आयत नंबर 2 और 3 में भी अल्लाह ने फरमाया, बेशक हमने इंसान को एक मिले जुले नुतफे से पैदा किया, हम उसे आजमाते हैं, क्यों पैदा किया, हम उसे आजमाते हैं, चुनांचे हमने उसे खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला बनाया। यहाँ पे एक और नेमत कि हमने उसे सुनने वाला बनाया कि दूर और नजदीक की आवाज को, और आवाज के अंदर भी जो गर्दिश होती है, कमी और बेशी होती है, उसको भी समझने की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाहियत। और अगर इसके ऊपर गौर करें तो बहुत सी बातें हैं, आंख और कान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सलाहियत बख्शी, तो बेशक हमने इंसान को एक मिले जुले हुए नुतफे से पैदा किया, हम उसे आजमाते हैं, चुनांचे हमने उसे खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला बनाया, बिलाशुबा हमने उसे रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया यानी वही सही और गलत का रास्ता दिखाया, ख्वाह वो शुक्र गुजारी करे या नाशुक्री करे, नाशुक्री नहीं असल में वो कुफ्र करे, कि वो शुक्र करे या कुफ्र करे। तो
तो इस नेमत को पाकर के वो आजमाना चाहता है अल्लाह की, वो शुक्र करता है या कुफ्र करता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे सुझा दिया सही और गलत रास्ता, कि ये वो रास्ता है कि जिस पर चल करके हम अपने रब को राजी कर लेंगे, और रब को ही राजी नहीं, हम इस दुनिया को संवार लेंगे, इस दुनिया में जीने के लायक हो जाएंगे, इस दुनिया में भी इज्जत के लायक हो जाएंगे, इस दुनिया में भी अमन और सुकून के लायक हो जाएंगे। तंगी और परेशानियां तो रहेगी, परेशानियां तो आते रहेगी, लेकिन उसके बाद भी सुकून और इत्मीनान कहीं कम नहीं होगा। मोमिन जो होता है वो कैसी ही मुसीबतों में उलझ जाए, फंस जाए, लेकिन उसके बाद भी उसके दिल के अंदर इत्मीनान होता है। ये एक बात मैं पीछे कहना भूल गया कि उसको एक इत्मीनान होता है। और ईमान ये जिद है खौफ की, जिस दिल में ईमान होता है उसके अंदर खौफ नहीं होता। एक बशरी तकाजे के तहत खौफ तो आता है, लेकिन वो ईमान उस खौफ को जाया कर देता है, खत्म कर देता है। जैसे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में आपने पढ़ा होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस सांप को देखा तो डर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं फिरौन के पास जाने में मुझे डर लगता है। तो ये तो एक तकाजा था कि एक बड़ी ताकत को देख रहे थे, डरे, लेकिन रुके नहीं कभी। ये है शान ईमान कि उस डर ने रोका नहीं, यानी ईमान गालिब आया। अल्लाह ने कहा कि मूसा इस सांप को पकड़ लो, फौरन रुक गए, जबकि उसी से डर करके भाग रहे। और अल्लाह ने जैसी निदा लगाई कि मूसा रुको और इस लाठी को, इस सांप को पकड़ो, मूसा अलैहिस्सलाम लौटे और उस सांप को पकड़ लिया, उसी से डर रहे थे। ये है ईमान की शान। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पीर साहब के नाम से जो जाने जाते हैं, और वाकई आप अहले सुन्नत वल जमात से थे और सही अकायद थे, और इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं कि वो वली सिफत बुजुर्ग थे। वली सिफत कह रहा हूं, वली कहना ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए हमें अल्लाह की वही की जरूरत होगी कि अल्लाह कहे कि हाँ ये मेरा दोस्त है, तब हम कह सकते हैं ये अल्लाह का दोस्त। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब वही का सिलसिला खत्म हो गया। तो हम किसी को अगर ये कहेंगे तो उसे कहेंगे कि हाँ इसके अंदर वलियों की सिफत है, क्वालिटी है। बहरहाल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आते हैं और कहते हैं कि आपका तिजारत का जो असासा माल आ रहा था वो नाव डूब गई। उन्होंने खामोश रहे और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद वही शख्स फिर लौट करके आया और कहा कि वो आपका नाव नहीं था, वो कोई दूसरा जहाज था जो डूबा था। थोड़ी देर खामोश रहे और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। जो साथ में बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ये दोनों वक्त में आपकी कंडीशन, आपकी कैफियत एक जैसी रही, नुकसान इतना बड़ा नुकसान और वो मिल जाने पर भी वही कैफियत। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि मेरे दिल की कैफियत एक ही रही, अल्हम्दुलिल्लाह। बस समझ में आई कि दिल की कैफियत एक जैसी है। यह है मोमिन की शान कि बड़ी से बड़ी तूफान, बड़े से बड़ी आंधी, क्योंकि उसकी तौहीद मजबूत है, इस तरीके से मोमिन के ऊपर बड़ी से बड़ी परेशानियां आती है वो खड़ा रहता है, अकेला ही एक संतरी की तरह वो खड़ा होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अकेले को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत कहा था। तो बहरहाल आयत नंबर 10 में हम थे और हमने उसे दो रास्ते सुझाए। नेमतों का जो जिक्र किया यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तो आंख का जिक्र किया और जुबान का जिक्र किया और दो ओटों का जिक्र किया, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और नेमत का कि हमने तुम्हें सही और गलत की हिदायत दी, सुझा दिया, यानी सही और गलत नाजिल भी कर दिया, ये फरकान नाजिल हो गया। और अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए, सहाबा इकराम के जरिए, उलमा के जरिए वो सही और गलत की मार्फत हम तक पहुंच गई। और हम सब जानते हैं आज के दौर में जो मुसलमान है वो सब जानता है कि सही दीन जो है वो अल्लाह का कलाम है, नबी मुकर्रम का फरमान है। वो जानता है कि वक्त, पांच वक्त की नमाज फर्ज है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना है। वो क्या गैर ईमान वाला भी जानता है कि इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह की इबादत है, लेकिन ये बदबख्त मुसलमान अल्लाह का हक दूसरों को देता है, जबकि ये भी जानता है इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ एक अल्लाह की बात। ये जानता है कि शराब हराम है, ये जानता है कि चोरी हराम है इस्लाम में, ये जानता है कि गैर औरत को देखना गलत नीयत से या छूना गलत नीयत से ये इस्लाम में हराम है, ये सब कुछ जानता है। तो सही और गलत की इसे तमीज दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अब अहम बात जिस पे हमें अपना मुहासबा करना है, आयत नंबर 11 से बात शुरू। यहां तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले तो कसम खाई और अजीम चीजों की कसम खाई, सबसे अफजल शहर की, सबसे मोहतबर शहर की, और फिर इंसान की कसम खाई, और फिर बताया कि इंसान जो है वो मशक्कत में ही पैदा किया, उसे मशक्कत में रहना है, वो चाहे तो शरीयत के अंदर रहे या शरीयत के बाहर रहे। अगर वो शरीयत के अंदर रहता है तो ये मशक्कत उसकी आजमाइश होगी, अल्लाह की रजा का जरिया बनेगी और अल्लाह के यहां ऊंचा मकाम और मर्तबा दिलाएगी। और अगर वो शरीयत में नहीं रहता तब भी वो मशक्कत में रहेगा और उस वक्त वो अजाब में रहेगा, इस दुनिया में भी अजाब, कब्र में भी अजाब, हश्र में भी अजाब और हमेशा हमेशा अजाब। तो इस्लाम में अगर वो नहीं आता है ये सही और गलत की तमीज करके और वो इस्लाम को छोड़ता है तो भी वो मशक्कत में रहेगा, और अगर इस्लाम में आ जाता है तो भी जितना मशक्कत लिखी है उतनी मशक्कत रहेगी उसको, उतनी तकलीफ रहेगी,
लेकिन उस तकलीफ में सुकून और इत्मीनान भी हो, उस तकलीफ में उसे एक मजबूत सहारा उसके पास होगा जो ना दिखाई देने वाला सहारा होगा, और उस सहारे को जब वो याद करेगा तो उसे सुकून मिलेगा कि मेरे साथ मेरा रब है, और इस तकलीफ में भी वो इंजॉय करेगा कि ये मेरी रब की रजा के लिए आ रही है, ये मुझे जो सताया जा रहा है ये दीन के लिए सताया जा रहा है, ये जो मुझे मारा जा रहा है ये अल्लाह के लिए मारा जा रहा है। और अगर वो शहीद भी होने लगेगा तो जैसे अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु जब वो शहादत के लिए जाने लगे तो रास्ते में रोने लगे और बादशाह ने पूछा कि क्यों रोते हो, क्या इस्लाम को छोड़ देने का इरादा है, तो कहा कि नहीं, एक ही जान है इसलिए रो रहा हूं कि एक ही जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रही है, काश कि ये और जाने होती और मैं हर जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता, ये इंजॉय। तो अब हमारे हाथ में है कि मशक्कत तो होना ही है तो दीन में आकर के लेते हैं या दीन के बाहर। दीन के बाहर अजाब है और दुनिया भी तबाह आखिरत भी तबाह, और दुनिया के अंदर वही मशक्कत हमारे लिए खुशी का बाइस बन कि मैं बदनाम हुआ किसके लिए, दीन के वजह मारा जा रहा हूं, बायकॉट किया जा रहा हूं, रिश्तेदारियां नहीं हो रही, तनहा हो गया हूं, किसके लिए, अल्लाह के लिए, ये उसको खुशी और मसरत अता करेगा। अब यहां पर जो ये बात कही गई, फिर नेमतें अल्लाह ने याद दिलाई कि ये नेमतें तुम्हें किसने अता की है, और ऐसी अजीम नेमतें कि तुम पूरी दुनिया की दौलत लेकर के और डॉक्टर के टेबल पर रख दो कि डॉक्टर साहब मेरी दोनों आंख खराब हो गई इसको ठीक कर, कर सकता, पूरी दुनिया की दौलत लेने के बाद भी नहीं कर सकता, ऐसी अजीम नेमत अल्लाह ने, जुबान कट जाए नहीं कर सकता, या किसी को बोलना नहीं आ रहा है, गूंगा है, जुबान है, पूरा सिस्टम है, लेकिन अल्लाह ने उसे गूंगा करा, कोई नहीं बुला सकता, इतनी अजीम नेमत हमको अता की और फिर सही और गलत की तमीज दे दी, तो हम उसके बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चल रहे। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फिर वो घाटी पर से होकर नहीं गुजरा, फिर वो घाटी पर से होकर नहीं गुजरा, यानी निजात और खैर के रास्ते पर क्यों नहीं आया, और वो घाटी क्या है, चलिए कुरान की जुबानी, और आपको क्या मालूम दुश्वार घाटी क्या है, पहले तो ये कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, फिर वो घाटी पर से सवार होकर के नहीं गुजरा, घाटी पर से नहीं निकला, और आपको क्या मालूम कि वो दुश्वार घाटी क्या है, वो है किसी इंसान को गुलामी से छुटकारा दिलाना, यानी शरीयत पर अमल करना, ये एक घाटी है, और शरीयत पे चंद अमल के तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे रगबत दिलाई, नेक रास्ते पर चलने की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रगबत दिलाई, यानी शौक दिलाया, कि वो घाटी ये थी कि वो किसी इंसान को गुलामी से छुटकारा नहीं दिलाता, इस घाटी पे वो सवार क्यों नहीं हुआ। गुलाम उस दौर में इंसानों को खरीदना और बेचना, बेचा जाता था, और जिसे खरीदा जाता था वो गुलाम कहलाता था। इस्लाम ने इस चीज को खत्म कर दिया, शरीयत ने इस चीज को दफन कर दी कि इंसान को खरीदा और बेचा जाए। बहरहाल तो उसे खरीदने के बाद उसे जैसा चाहते थे वैसा इस्तेमाल करते थे, चाह रहे तो उसे मार रहे, चाह रहे तो उसे जैसा चाह रहे वैसा काम करा रहे, यहां तक अगर उनको कत्ल भी कर दिए तो कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि वो उसका आका है, वो उसका गुलाम, उसने उसे खरीदा है, वो है कि उसको हक है कि वो जो चाहे वो करे, अब उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। उस दौर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इन गुलामों ने ईमान लाया और वो सहाबा बने, तो इनके ऊपर और ज्यादा इनके आका जुल्म करते और उनको बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यही वहां का तरीका था। जैसे हज़रत खब्बाब को उनकी जो मालकिन थी वो भट्टी में रख देती, उनको इस तरीके से धुनी दिया जाता, जलाया जाता, हज़रत बिलाल हबशी को उसका उनका आका इस तरह मारता और जब थक जाता तो एक कोठरी के अंदर छोड़ देता, फिर सुबह निकालता, फिर जुर्म करता, फिर छोड़ता, फिर जुर्म करता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे और आपने कई गुलामों को आजाद करा, तो इनका आका बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का वो ये कहता कि इसे कौन खरीदेगा, मतलब ये ऐसा शख्स है कि इसे कौन खरीदेगा, इसे तो कोई एक दो दिरहम में भी लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके आका के नजदीक बिलाल हबशी की कोई कीमत नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके दीन को छोड़ दिया, उन्होंने तौहीद को कबूल कर लिया। जब इंसान तौहीद कबूल करता है तो मुश्रिक के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका बाप है तो उसे भगा देता है घर से, उसका रिश्तेदार है तो रिश्तेदारी तोड़ देता है। आज भी यही हो रहा है, अगर तौहीद परस्त मुश्रिक के घर में है तो फिर वो उसके लिए एक मुसीबत होता है, ना उसको रख सकता ना छोड़ सकता, तो बाज दफा तो भगा दिया जाता। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का जो आका था वो इसी तरीके की बात बाजार में खड़ा होकर कर रहा था, उतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि इनके ऊपर रोजाना जुल्म हो रहा है, रोजाना घसीटा जा रहा है, रेत पे लिटाया जा रहा है और ऊपर से चट्टान रखी जा रही है, जिस्म आपका फट जा रहा है, खून निकल रहा है और वो गर्म जो रेत है वो फिर ठंडी हो रही है, और ऐसी गर्म रेत अल्लाह अकबर कि कोई गोश्त अगर फेंक दिया जाए तो वो भुन जाए, ऐसी सख्त रेत में उनको मारा जा रहा है। आका ये कहता है कि ये मत समझना कि ये कोड़े बरसाना मैंने तेरे ऊपर तरस खा करके बंद किया है, मैं थक गया हूं इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं।
और आप बेहोश हो जाते, बेहोशी की हालत में घसीट करके कमरे में डाल दिया जाता, फिर निकाल करके लाया जाता सुबह और फिर उनको मारा जाता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा और कहा कि मैं उसे खरीदना चाहता हूं। लोगों ने आकर के बता दिया ये खरीदना इसलिए चाहता है क्योंकि ये भी उसी दीन का फॉलोअर्स है, फॉलो करने वाला है, ये इसलिए खरीदना चाहता है। तो आका ने कीमत बढ़ाना शुरू कर कि तुम खरीदना चाहते हो, अच्छा इसकी कीमत ये, और फिर बहुत ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसे हर कीमत में खरीदने को तैयार हो गए और बिलाल हबशी को खरीद करके फिर आजाद कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिस को भी आजाद कर दिया था, और भी सहाबा इकराम ने, और अबू बकर सिद्दीक का तो ज्यादा आता है कि इन्होंने कई गुलामों को आजाद। ये तो खैर हमारे यहाँ ये सिस्टम खत्म हो गया कि कोई गुलाम हो और हम उसे आजाद करें। गुलाम को आजाद करने का अज्र और सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना कि जो शख्स किसी मोमिन गर्दन को आजाद करे तो अल्लाह ताला उसके एक एक अज़ो के बदले उसकी एक एक अज़ो को जहन्नम से आजाद कर, यानी जिस्म के एक एक हिस्से के जगह एक एक हिस्से को जहन्नम से आजाद कर, हत्ता के हाथ के बदले हाथ को, पांव के बदले पांव को, और शर्मगाह के बदले शर्मगाह को। अली बिन हुसैन ने फरमाया, अब ये हदीस जो है हज़रत अबू हुरैरा से किसी ने बयान किया, अबू हुरैरा के रेफरेंस से किसी ने बयान किया, तो इस हदीस को हजरत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना और कहा कि क्या तूने इस हदीस को हजरत अबू हुरैरा से सुना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने हजरत अबू हुरैरा से सुना। तो इन्होंने कहा अपने किसी को कि उस गुलाम को लेकर क्या हो। जब गुलाम आकर के सामने हाजिर हुआ तो कहते हैं कि जा तू अल्लाह ताला की रजा के लिए आजाद करता हूं मैं तुझे, और आपने फिर उसे आजाद किया। इसे इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी और निसाई ने रिवायत किया। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2517, 2517 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1509। खैर हमारे इस दौर में तो ये गुलामी का रिवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत ने खत्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरा अज्र यहाँ पे आयत नंबर 14 के अंदर, या भूख वाले दिन खाना खिलाना, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि तुम भूख वाले दिन खाना खिलाते, यानी अल्लाह ने तुम्हें नेमतें अता की, कान आंख और दिल जैसी, जुबान और ओठ जैसी, और तुम्हें सही और गलत की तमीज दी, फिर तुमने इस शरीयत के ऊपर क्यों नहीं अमल किया, इस घाटी के ऊपर से क्यों नहीं सवार हुए कि तुम किसी गुलाम को आजाद करते, या सख्त तंगी के दिनों में, परेशानी के दिनों में तुम किसी गरीब को खाना खिलाते, ऐसे दिन तुमने क्यों नहीं खाना खिलाया किसी रिश्तेदार को और किसी यतीम को। तो पहले हक रिश्तेदार का है, फिर उसके बाद यतीम। तो क्या हम हैं इस घाटी पर सवार, क्या हम इस घाटी से गुजर रहे हैं? ये है असल में असहाबुल यमीन की सिफात बताई जा रही है। वहां असहाबुल यमीन को जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा वो पीछे बताया गया, अब उनकी ये सिफात दिया। किसी रिश्तेदार को देना, जैसे यतीम के ताल्लुक से कल हदीस गुजरी थी कि यतीम की कफालत करने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा होगा जैसे दो उंगली करीब करीब रहती, और मिस्कीन अगर रिश्तेदार है तो उसकी किफालत या उसकी जरूरत का पूरा करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि साहबी ने कि मिस्कीन पर सदका करना एक सदका है, लेकिन रिश्तेदार पर सदका करने की दो सवाब है मिलते हैं, एक सदका करने का और दूसरा सिला रहमी करने का। पहला तो सदका करने का उसको अज्र मिलेगा, दूसरा एक रिश्तेदारी की जो सिला रहमी उसने की है, रिश्तेदार के ऊपर जो रहम किया इसका भी उसको अज्र मिलेगा। ये तिर्मिजी की रिवायत है, तिर्मिजी शरीफ हदीस नंबर 658 और निसाई हदीस नंबर 2583। जैसे कोई बहन कोई हलाल कारोबार करती है या हलाल काम करती है, जॉब करती है पर्दे की पाबंदी के साथ, शरीयत की पाबंदी के साथ, और वो अपने घर में खर्च कर रही है यानी वो शौहर को दे रही है, तो इसमें डबल सदके का अज्र मिलेगा। एक तो वो सदका कर रही है अपने शौहर को, और दूसरा वो अपने शौहर को कर रही है, यानी सिला रहमी का भी अज्र मिलेगा। वो भी क्यों अज्र मिलेगा? क्योंकि ये नानो नफका उठाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो उस मर्द ने निकाह में तय किया है और यही एग्रीमेंट का नाम निकाह है। नानो नफका उसने कबूल किया है कि मैं इसकी जिम्मेदारी रहता हूं घर की और इसकी हिफाजत की और इसके कपड़े की और जो भी उसके नानो नफका है जरूरत की। लेकिन वो बहन अपने शौहर की परेशानी को समझ रही है और उनके साथ वो मिलकर के काम कर रही है शरीयत के दायरे के अंदर रह करके, और फिर वो अपने घर पे खर्च कर रही है यानी शौहर को दे रही, उनको चाहिए कि वो शौहर को दे दे, तो वो सदका भी हो गया और सिला रहमी का भी अज्र, डबल अज्र मिलेगा। तो यहाँ पर फिर बताया कि रिश्तेदार को और यतीम को, यतीम के लिए हम क्या कर रहे हैं? आज हम गौर करें उम्मत मुस्लिमा क्या कर रही है। हमें तंज करना बहुत आता है दूसरों के ऊपर, दूसरी जमातों के ऊपर, दूसरे मजाहिब के ऊपर। हाँ वो तंज करने के लायक है क्योंकि वो मुशरिक है, लेकिन उनकी अच्छाइयां कभी नजर नहीं आती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दौर में अपने घरों में मिस्कीनों को और यतीमों को रखा, सहाबा इकराम ने रखा,
اور یہ تعلیم دی آپ نے. مدینہ کے اندر جہاں مسجد ہے وہ آپ کا انصاف خانہ بھی ہے, یعنی وہاں پہ آپ انصاف بھی کرتے ہیں, صرف عبادت کی جگہ نہیں ہوتی مسجد. اور وہیں بازو میں حجرہ بھی ہے معائشہ کا, میڈیکل کا, ڈاکٹری کا, اور وہیں پر اسکول بھی لگ رہا ہے اصحاب صفہ. اور ایسا مدرسہ اور ایسی تعلیم گاہ کہ ویسی تعلیم گاہ نہ کبھی پیدا ہوئی نہ ہو سکتی. وہ شاگرد وہاں سے نکلے کہ دنیا حیران ہے ان کو دیکھ کر کے. تو مسجد میں آپ انصاف بھی کرتے تھے, مسجد کے بازو میں آپ نے اسکول بھی کھولا تھا, اور مسجد کے بازو میں جو ہے ہاسپٹل بھی ہے, اور یتیموں کی کفالت ہر صحابی کرنا اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں. ہم اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہونے کے بعد بڑے بڑے شہروں میں بھی آپ اناتھ آشرم نہیں دیکھیں, جبکہ سب سے کم بجٹ میں یہ کام ہوتا ہے. ہمارے اسکول بہت ہی کم دکھیں گے, ہمارے ہاسپٹلز بہت ہی کم دکھیں گے. کیا ہمارے سے کوئی متاثر ہوگا, اور کیا ہمارے سے اسلام کو سمجھے گا اور اسلام کے قریب آئے گا؟ اور یہ تعلیمات اس انداز میں قرآن کے اندر بھری ہوئی ہے کہ قسمیں کھا رہا ہے اللہ رب العزت عظیم چیزوں کی, اور نعمتیں دکھا رہا ہے تمہیں, عظیم نعمتیں, اور کہا کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہے, اور تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز دی ہے, پھر کیوں نہیں تم اس گھاٹی پر سوار ہوتے؟ اور تکلیف تو تمہاری مقدر میں جو لکھی ہے وہ مل کر کے رہے گی. تم اسلام میں آؤ, شریعت کے پابند ہو یا نہ ہو, جو تکلیف لکھی ہے وہ ہو کر کے رہے. اس کے باوجود بھی ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ شریعت کی مخالفت اور شریعت کی نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس دین کو اپنے خون سے سینچ کر کے صحابہ اکرام نے, علماء اکرام نے ہم تک لے کر کے آیا ہے, اس دین کی ہم نے کیا حالت کر. آج اگر ہم کسی کو دعوت دیں تو وہ الٹا کر کے ہم سے بولتا ہے کہ ایسے مذہب پہ آئے کہ میرا پڑوسی مسلمان اور اس نے یہ کیا, میرا نوکر مسلمان اور اس نے یہ کیا, میرا ڈرائیور مسلمان اور اس نے یہ کیا. اور ایسے مسلمان ہو جائے کہ یہ دیکھو ایک شراب پیتا ہوا دکھ رہا ہے, ایک چوری کرتا ہوا دکھ رہا ہے, ایک زنا کرتا ہوا دکھ رہا ہے. اور ایسے مسلمان ہو جائے چلو پولیس اسٹیشن میں, چلو تھانے میں, سب سے زیادہ ایف آئی آر اگر ملے گی, سب سے زیادہ اگر پولیس کسی سے پریشان ہے تو مسلمان سے. یعنی کہ ہم خود اسلام لوگوں کو آنے کے لیے راحت اور سکون بننے کے بجائے مصیبت بن گئے. ہم خود روڑا بنے ہوئے ہیں, ایک آڑ بنے ہوئے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت؟ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اصل میں اللہ کلام سے جوڑ دے, ہمیں توفیق دے. اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کلام سے جوڑے. جب کلام سے جڑے گا تب اسے سمجھ میں. ہر مردہ قوم کو, ہر دور میں مردوں کو زندہ کیا ہے اللہ کی وحی نے. انبیاء علیہ السلام نے آپ دیکھ لیں, مردہ سے یعنی مراد کہ وہ زندہ تو ہے چلتی پھرتی لاش کی طرح, روح نہیں ہے ان کے اندر, یعنی ان کے اندر اللہ کی وحی نہیں ہے, اللہ کے کلام کی وحی نہیں. تو کہا کہ رشتہ داری اور یتیم کو نہیں دیتے, آیت نمبر 15, یا کسی خاک نشین مسکین کو, یعنی ایسا مسکین ہے جو پریشان حال ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے, پریشان ہے وہ گھر کے لیے, اس کے پاس کاروبار نہیں ہے, وہ اپنی ضرورتوں کو پوری نہیں کر پا رہا, اور اس کے طرف بھی ہمیں دھیان نہیں, پھر وہ ان لوگوں میں سے شامل ہو جو ایمان لائے, پھر وہ ان لوگوں میں سے شامل ہو جو ایمان لائے, اور انہوں نے باہم صبر کی وصیت کی, اور باہم رحم کرنے کی وصیت کی. اب یہ ان میں سے ہو جائے جنہوں نے صبر کرنے کی وصیت کی, یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت, اور رحم دلی کی وصیت کہ ہم رحم دلی کریں. ہمارے دل میں بھی ایسی چیزیں ہونا چاہیے کہ ہم مسافر خانہ بنائیں اور یتیم خانہ بنائیں اور لوگوں کے رہائش اور کا انتظام کریں. تو فرمایا پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان لائے, اور انہوں نے باہم صبر کی اور وصیت کی, اور باہم رحم کرنے کی وصیت کی, صبر کی وصیت کی اور رحم کی وصیت کی. وہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں, اولئک اصحاب المیمنہ, یہی لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے, مطلب یہی لوگ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جانے والا ہے, جو اصحاب الیمین ہے جن کی نعمتوں کے تعلق سے ہم نے پیچھے پڑھ کر کہ اصحاب الیمین کو یہی نعمت ملے گی. یہاں پہ ان کا کردار پیش کیا گیا, یہاں پہ ان کا عمل پیش, کہ وہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے, جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے, آیتوں کا منکر ہونا اس کے حقوق کا ادا نہ کرنا, اور اس کا حق کیا کہ اس کو اللہ کا کلام مانے, اس میں غور و فکر کریں, تدبر کریں, اس کا علم حاصل کریں اور اس پہ عمل کریں. تو انکار کیا اس کا, نہ ایمان, نہ غور و فکر, نہ علم حاصل کرنا, نہ عمل کرنا. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے وہی بائیں ہاتھ والے ہیں. اور آیتوں کے اندر کیا ہے, آیتوں کے اندر احکام و مسائل ہیں, آیتوں کے اندر اللہ کی رضا کی باتیں ہیں, اور آیتوں کے اندر ہی تمہاری فلاح ہے, کامیابی ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے, یعنی اس کے احکام و مسائل کے, وہی بائیں ہاتھ والے ہیں, ان کے اوپر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا عامل بنائے, قرآن مقدس پر عمل کرنے والا بنائے, اور نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے.
آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.